नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RBSC विद HSM में। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा एडमिशन सेशन 2020 से 2021 में अंडर ग्रेजुएट प्रथम मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को किस प्रकार डाउनलोड करना है के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे हम वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे, एडमिशन एग्जामिनेशन रिजल्ट का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक नया वेब पेज ओपन होगा। एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2020 से 2021 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें व्यू ऑल न्यूज़ एंड इवेंट्स पर क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर BA, BSc, BCom, BA LLB, BBA LLB, BSc होम साइंस, BCA, BBA, D Pharma, B Pharma has been published on website. Student whose name appear in merit list have to submit document in respective faculty before 16/9/2020। तो हम देख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे तो ये 16/9/2020 से पहले करने होंगे। अब बात करते हैं हम जो एडमिशन लिस्ट है वो किस प्रकार हम डाउनलोड कर सकते हैं। होम पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस है दिखाई देगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें व्यू मेरिट लिस्ट एकेडमिक सेशन 2020 से 2021 का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक नया वेब पेज ओपन होगा। मेरिट सूची एकेडमिक सेशन 2020 से 2021। सेलेक्ट कोर्स, यहाँ से हम कोर्स को सेलेक्ट करेंगे। अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पर हम सेलेक्ट किया। इसके बाद में फैकल्टी को, जैसे BA की हमें डाउनलोड करनी है तो BA आर्ट्स है तो आर्ट्स पर सेलेक्ट किया। इसके बाद में यहाँ पर BA ऑनर्स पार्ट फर्स्ट और BSc फर्स्ट ईयर, तो अभी फ़िलहाल BSc फर्स्ट ईयर की जो लिस्ट है वो आ चुकी है, तो यहाँ पर BA फर्स्ट ईयर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस है दिखाई देगा। हम देख सकते हैं गवर्नमेंट एडेड सीट्स GAS और सेल्फ फाइनेंस सीट SFS। फैकल्टी का यहाँ जिक्र किया गया, यहाँ पर BSc फर्स्ट ईयर कट ऑफ फर्स्ट, और यहाँ पर हम देख सकते हैं डाउनलोड का लिंक दिखाई दे रहा है। इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक PDF फाइल डाउनलोड होगी जिसे हम डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल कर लेंगे तो 6 जो फैकल्टीज़ हैं उनके लिए जो एडमिशन हेतु जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। और इसी तरह से हम यहाँ देख सकते हैं तो गवर्नमेंट एडेड और SFS जो सीट के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। तो इस प्रकार हम इस PDF फाइल को डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जहाँ से आप इसे आसानी से पहुंचकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं साइंस के संदर्भ में, तो यहाँ हमें साइंस को सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद में हमें यहाँ जैसे BSc फर्स्ट ईयर, तो यहाँ हम BSc फर्स्ट ईयर की लिस्ट आ चुकी है, तो यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। अब बात करेंगे हम BSc साइंस में डी फार्मा की आ चुकी है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ SFS जो सीट है यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके बाद में हम बात करेंगे बी फार्मा की, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का लिंक आ जाएगा फार्मेसी सेक्शन के अंतर्गत। इसके बाद में हम बात करेंगे बी बी ए एल एल बी के लिए, तो यहाँ पर हमें लो सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जैसे हम लो सेलेक्ट करेंगे, लो सेलेक्ट करते ही बी ए एल एल बी फर्स्ट सेमेस्टर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एस एफ एस सीट है। अब बात करेंगे हम कॉमर्स के संदर्भ में, तो कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ देख सकते हैं बी बी ए फर्स्ट ईयर और बी कॉम फर्स्ट ईयर। तो जैसे हम बी बी ए फर्स्ट ईयर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एस एफ एस सीट है। इसके बाद में हम बात करेंगे बी कॉम ऑनर्स पार्ट फर्स्ट, इसकी मेरिट लिस्ट नहीं आई है, और बी कॉम फर्स्ट ईयर, तो यहाँ देख सकते हैं बी कॉम जो फर्स्ट ईयर है, तो हम यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आसानी से देख सकते हैं अलग अलग फैकल्टीज़ के लिए। अब बात करेंगे हम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर फ़िलहाल यहाँ कोई मेरिट लिस्ट हो जारी नहीं की गई है। तो जितने भी कोर्सेस होंगे फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के, तो उन सभी की लिस्ट हम यहाँ देख सकते हैं आसानी से। तो आर्ट्स कॉमर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और लॉ और साइंस, तो हम यहाँ आसानी से देखकर इनको कोई भी जो लिस्ट है वो जहाँ डाउनलोड की जा सकती है यहाँ से आसानी से। तो इस तरह से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ में, तब तक बने रहे आरबीएससी विद एचएसएम के साथ। जय हिंद, जय भारत।